अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्पॉटलेस स्किन का कुछ करेंगे, तो आज मैं उस वीडियो के साथ हाज़िर हो गई हूँ। ये बेनिफिट्स कुछ आप लोगों को स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे होंगे, या आप लोग जब भी फ्री हो तो आप पढ़ लें। चलते हैं हम लोग सबसे पहले चीज़ की तरफ। सबसे पहले हम लोगों का सोप। सोप के लिए जो इन्ग्रीडियंट और चीज़ें चाहिए वो स्क्रीन पर आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं नीम लीव्स को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। हम बहुत अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। और ये नीम लीव्स आप लोग जो आंटी अच्छी नहीं लगती होंगी ना, मोहल्ले वाली फसादी आंटी, उनको कहना उतार दें ताकि जिन चिपके तो उनको चिपके, हमें ना चिपके। बट किडिंग, अच्छे टाइम पे आप लोगों ने उतार लेना है। उसके बाद हैंडफुल ऑफ नीम लीव्स लेने हैं। इसको मैंने ऐसे टहनियों से इसके अलग कर लिया है। इसके बाद मैं इसको एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ, और इसको डालने के बाद मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अगर इसका पेस्ट सही नहीं बन रहा होगा तो आप लोग इसमें एक आध टेबल स्पून या 2 से 3 टेबल स्पून भी रोज़ वाटर की डाल सकते हैं। इसके बाद मेरे पास बेस सोप नहीं थी, या आप लोग पर्ल सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग कोई भी रेगुलर सोप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ रिलक्स का। इसका जो छोटा वाला बार आता है, इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद इस तरह से इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद मैं इसको करूँगी बॉयल। बॉयल नहीं, मीन्स इसको मैं मेल्ट करूँगी। इसको मैंने मेल्ट किया था एक छोटी सी पतीली के अंदर। उसके बाद मैं ये मेल्ट किया हुआ सोप है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी एलोवेरा जेल। टू टेबल स्पून एलोवेरा जेल ली है मैंने, और वो मैं डाल रही हूँ सोप के अंदर। इसके बाद जो नीम हम लोगों ने ग्राइंड कर ली थी, हमने वो पाउडर पकड़ना है या पेस्ट व्हाटएवर जो भी बना होगा उसको पकड़ के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से हम बहुत ज़्यादा डालने के बाद मिक्स कर देंगे इसको। अब ये हम लोगों का काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हम लोगों ने। कीप मिक्सिंग, बहुत अच्छे से होना चाहिए मिक्स। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, आप रोज़ वाटर डाल के कर लो कुछ भी। इसके बाद मैंने एक खाली डिस्पोजेबल कंटेनर लिया है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वैसलीन। आप कोई भी पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से ग्रीस करना है ताकि जब हम लोग सोप डालें और वो निकले तो वो इजीली निकले, हमें कोई मसला ना करे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद जो मेरा लिक्विड था वो मैं अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद मैंने इसको कर दिया है फ्रीज़ 1 घंटे के लिए। अब मैंने रख दिया है इसको फ्रीज़र के अंदर। बेहतर है आप इसको फ्रिज में ही रखें। मैंने भी फ्रिज में ही रखा था इसको, जब यूज़ किया मैंने तब भी इसको मैंने फ्रिज में ही रहने दिया था। क्योंकि एक तो ठंडा ठंडा होता है, बहुत मज़ा आता है, और दूसरा साथ में अपना सोप आप लोग अलग रखें। सबसे पहले मैं इसको फेस वॉश करने लगी हूँ। ये जो कंटेनर था, मैंने कहा था कि ग्रीस करने से ईजिली निकल आएगा। मैंने इसको पीछे बैक साइड से हल्का सा प्रेस किया है तो ये ईजिली मेरा सोप निकल आया हुआ है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद सबसे पहले मैं अपना फेस वेट करूँगी। अपने मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाया है, इससे मैं थोड़ा सा फेस पर वेट कर रही थी क्योंकि बाथरूम में तो पूरा कैमरा का सेटअप मैं कर नहीं सकती थी इस वजह से। उसके बाद जो मेरी सोप की बार है उसको मैं अपने फेस पे रब कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो उसको पानी में डालकर, जैसे हम लोग नॉर्मली हाथ साफ करते हैं या कुछ भी फेस वॉश करते हैं, हम उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना फेस वेट करके पूरी बार यूज़ किया, हल्का हल्का मसाज किया मैंने इसको। आप लोग चाहो तो अपने हाथों पर साबुन लगा के भी कर सको। बेहतर है आप लोग ये साबुन अपना अलग अलग रखो क्योंकि फिर जर्म्स वगैरह नहीं लगते किसी और के। और बेहतर है इसको फ्रिज में भी रखो। आप लोग ये जो साबुन है इसको तकरीबन एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने रब किया है, और ये रब करने के बाद मैं इसको वापस से फ्रिज के अंदर ही रख दूंगी। अच्छे से पहले मैंने इसको ऐसे लगाया। लगाने के बाद मैंने क्या किया, अपने हाथों को दोबारा से किया है वेट। अपने हाथों को वेट करने के बाद मैं हल्का हल्का मसाज करूँगी तो उसका थोड़ा सा फॉमी हो जाएगा वो। इस तरह से मैं इसको हल्के हाथों से हल्का हल्का सा मसाज कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। अच्छे से हम लोग हल्का सा मसाज करेंगे कोई 1-1.5 मिनट के लिए। नीम जो होता है वो पिंपल्स के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हम लोगों के पिंपल्स भी ख़त्म होते हैं, डेड स्किन भी रिमूव करता है। सारे बेनिफिट्स सबसे पहले मैंने लगा दिए थे। अब मैं फेस वॉश करने के लिए जा रही हूँ। फेस वॉश मैंने कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद अब मैंने इसको टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ मैं, ताकि टॉवल के ऊपर कोई जम्स वगैरह ना लगे हों, इसलिए आई प्रेफर टिश्यू। तो मैंने टिश्यू से किया। अगर आपका पर्सनल टॉवल है
फेस टॉवल आपका अलग है तो आप लोग वो यूज़ कर लो, अदरवाइज यूज़ टिश्यू। अब इस तरह से कर लिया है मैंने, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हम लोगों का फ्लैक्स सीड और एलोवेरा। अब क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। अब हम लोगों ने लेना है 4 टेबल स्पून ऑफ वाटर। अब 4 चमचियाँ मैंने पानी की ले ली हैं, इस तरह से मैं अपनी पतीली के अंदर डाल रही हूँ। मेरे पास कोई छोटी चीज़ नहीं थी और जिसमें मैं पका सकूँ, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली किसी बड़ी पतीली के अंदर पकाना पड़ा। आप लोगों के पास अगर कोई छोटी चीज़ है तो गो फॉर इट, आप लोग छोटी चीज़ में पका सकते हो। उसके बाद 1 चम्मच मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड का, जिसको हम लोग अलसी के बीज भी कहते हैं। अब इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। इसको मेक श्योर आप लोगों ने वुडन स्पून से मिक्स करना है। मेरे पास वुडन स्पून नहीं थी तो मैं मिक्स कर रही हूँ, ये स्पैचुला था मेरे पास जिसको हम लोग आइसक्रीम स्टिक भी कहते हैं, मेरे पास यही था। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग के पास बड़ी वुडन स्पून होती है, अब मैं वो तो छोटी सी पतीली में मार नहीं सकती, तो मैं एक छोटे से स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, मैं बताऊँगी हम लोगों ने इसको कितना गाढ़ा करना है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, ये सब अभी मैं आपको आगे बताऊँगी, आप लोगों को दिख जाएगा। बल्कि ये इसका बॉईल आ रहा है और ये लो फ्लेम पर है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं है। लो फ्लेम पर हम लोग इसको पका रहे हैं और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते रहेंगे करते रहेंगे। और जिसकी कंसिस्टेंसी है ना, इसकी कंसिस्टेंसी एग वाइट की तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की एग वाइट होती है ना, थिक भी होती है थोड़ी और सारा उस तरह का, ये बिल्कुल उस तरह की बन जाती है। ऐसा लगता है कि एग वाइट ही है और हम लोगों ने इसको तब तक ही पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं हो जाएगी। वो होगा कि आप जैसे थोड़ी सी झाग आ रही है, थोड़ी सी वाइट वाइट कलर की झाग आएगी इसके ऊपर और उसके बाद ये ऐसा लगेगा जैसे कि एग वाइट है। हमने इसको तब तक पकाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लोग ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये स्किन ग्लो करता है फ्लैक्सीड से, फ्लैक्सीड और एलोवेरा जेल हम लोग किस तरह से बनाएंगे अभी मैं वो आपको बताऊँगी। सीरम है। अच्छा जी, तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया था, अलग कर लिया था, मैंने छान लिया इसको। अगर आपके पास छाननी जो होती है वो नहीं है तो आप किसी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। 1 टेबल स्पून निकाला है फ्लैक्सीड जेल का और इसके अंदर मैं मिक्स करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून। मीन्स जो फ्लैक्सीड जेल है इसकी क्वांटिटी हाफ होनी चाहिए एलोवेरा जेल से। तो अभी मैं ले रही हूँ इसके ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून कुछ ऐसे और अब इसको अच्छे से करूँगी मैं मिक्स। इसके अंदर अगर आप लोग चाहो तो विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, मेरे पास ख़त्म है ऑयल, विटामिन ई ऑयल नहीं है मेरे पास फ़िलहाल। तो इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। ये बन जाएगा कुछ इस तरह का मिक्सचर इसका। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालने लगी हूँ एक अपने छोटू से कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर है मेरे पास ये छोटा सा, तो इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी अलग से। और जो मेरे पास फ्लैक्सीड जेल बची है ये वाली, इसको हम लोग और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं डालने लगी हूँ अपने ये अलग कंटेनर के अंदर कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को मैं अलग अलग करके रखने लगी हूँ। ये खाली फ्लैक्सीड है और ये फ्लैक्सीड प्लस एलोवेरा है। इसको हम लोग कॉटन से करेंगे लगाएंगे, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो वीडियो में देख लिया होगा कि मैंने ये सीरम किस तरह से बनाया है। इसके बाद मैंने जो कंटेनर है अपना वो खोला है और साथ में मैंने पकड़ा है कॉटन पैड है मेरे पास। आप लोगों के पास अगर नॉर्मल कॉटन है आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। वो लगाकर हम लोगों ने अपने फेस पे लगानी है ये जेल, और ये लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट रखनी है। ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, लगता भी नहीं है कुछ लगाया हुआ है या नहीं फेस पे, तो ज़्यादा मसला भी नहीं होगा अगर लगा भी होगा तो। 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे, इसके बाद हम लोगों ने अपना फेस वॉश कर लेना है। फिलहाल तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा रही हूँ, कुछ ऐसे पूरे फेस पे लगाया और 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद ये ऐसी ड्राई हो चुकी, देखें लग भी नहीं रहा कि लगाई हुई है या नहीं। मैंने फिर फेस वॉश कर लिया अपना। तो ये मेरे पास नीम के पत्ते थे जिनको मैंने सुखाया है, सुखाने के बाद मैंने इनको किया है ऐसे क्योंकि मुझे इनको करना है ग्राइंड और कुछ को करना है मैंने बॉयल, तो इस वजह से मैंने कहा सूखे हुए पत्ते ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं क्योंकि मुझे पाउडर चाहिए उसका, तो इसलिए मैंने सुखा दिए हैं। टोनर किस तरह से बनाना है मैं भी आपको बॉइल करके बताती हूँ और बाकियों को मैं कर लूँगी ग्राइंड। और हम लोग को लेने कितने हैं, यूँ मतलब खाली ऐसे पत्ते हैं ना, लीव्स हैं, तो यूँ एक हैंडफुल,
मतलब एक मुट्ठी जो होते हैं ना, एक मुट्ठी के करीब हम लोगों को इस तरह से लेने हैं। कैसे बॉईल करना है मैं आपको अभी भी बताती हूँ। इसका पाउडर कुछ इस तरह से बन चुका है, ये देख लें कितना फाइन पाउडर है। तो इसका पाउडर ऐसे बन गया है। अब मैं इसको डालने लगी हूँ, एक इस तरह के एयर टाइट बैग में डाल दूँगी मैं इसको, ताकि मुझे जब यूज़ करना होगा मैं स्पून से निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। जब हम लोग अब मास्क बनाने लगे हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक प्याली और साथ में चाहिए हम लोगों को दही। आप लोग कोई भी दही ले सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, आप लोग अपने फेस के मुताबिक भी दही ले सकते हैं। ये हम लोगों ने डाला है इसमें एक चमची, और तकरीबन ये दो चमची दही डाला हम लोगों ने इसमें। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे हाफ टी स्पून नीम पाउडर, जो भी अभी हम लोगों ने ग्राइंड किया था वही वाला। ये रहा पाउडर, और ये है 1 टेबल स्पून, इसलिए मैंने आधी लिया है ये, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर। ये 1 टेबल टी स्पून रोज़ वाटर है, ये हमने अपने फेस पैक में डाल दिया। ये फेस पैक जो है आप लोग किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें दही ही डालो। मैं दही डाल रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इस वजह से। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको आप मुल्तानी मिट्टी में, बेसन में, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा ग्रीन ग्रीन सा। अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाऊँगी कि लगाना कैसे है इसको। तो ये हो गया है हम लोगों का मिक्स अच्छे से, फेस पैक रेडी है हम लोगों का। अब हम इसको फेस पे लगाएंगे। हाँ जी, तो मास्क बना हुआ आपने देख लिया कि फेस पैक कैसे बनाना है। इसको आप लोग बेसन में, मुल्तानी मिट्टी में, किसी भी चीज़ के अंदर बना सकते हैं। मुझे मुल्तानी मिट्टी जो है सूट नहीं करती, मेरे स्किन पर रैशेज हो जाते हैं उससे, इसलिए मैं नहीं लगा रही। अगर आपको सूट करती है तो आप लोग मुल्तानी मिट्टी में डालें, बेस्ट रिजल्ट आएगा। साथ में अंदर रोज़ वाटर भी ऐड करना है, विटामिन ई के अगर आपके पास कैप्सूल्स या ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर लो। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं यूज़ किया हुआ, मैंने खाली योगर्ट और रोज़ वाटर साथ में नीम पाउडर डाला है। ये वैसे ड्राई हो चुके हैं, इसको मैं वॉश करूँगी। मेरा फेस वॉश करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, और लिटरली मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है। जो फेस वॉश है अपना, सोप 2 बनाए थे मैंने। ये जो मेरी चिन पर आपको एक पिंपल नज़र आ रहा है, ये पहले दर्द कर रहा था, और लिटरली 2 दफ़ा यूज़ करने के बाद ये दर्द नहीं कर रहा, इसका सिर्फ निशान है। मीन्स मुझे इतना अच्छा लगा सिर्फ 2 दफ़ा यूज़ करने पर ही। तो ऐसे मैंने फेस वॉश कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें पानी डालने लगी हूँ मैं, ये इस तरह से 1 कप है पानी मेरे पास, 1 कप पानी डाल दिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी अब 1 मुट्ठी नीम लीव्स। ये 1 मुट्ठी नीम लीव्स मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। जब पानी की क्वान्टिटी हो जाएगी हमारे पास हाफ, तब हम लोग इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, लेकिन अभी इसको बॉईल करना है। जब आधा कप रह जाएगा तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। चलो जब तक हम लोग अपने ना लीव्स ग्राइंड कर लेते हैं, और उसका बताते हैं कि हमें उसका क्या। जब ये बॉईल आएगा ना इसमें, तो देखें इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि ये जाहिर सी बात है लीव्स का कलर है, तो लाइट ग्रीन कलर आएगा इसका लीव्स का, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा और बॉईल करना है, अभी हाफ नहीं हुआ क्वान्टिटी में, अभी इसको हम लोग मज़ीद बॉईल करेंगे। हम लोगों का ये हो चुका है, नीम वाटर बॉईल हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँ, वाटर ये रहा। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने डालना है वो है हम लोगों की ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, इसमें हम लोगों ने डाल दी। और इसको फिर मैं एक ये वुडन स्पून है मेरे पास, स्पून तो नहीं कहेंगे इसको हम लोग, ये एलोवेरा जेल इधर लगी रह गई है। ये आइसक्रीम स्टिक्स है, क्योंकि स्पून तो इतने छोटे ग्लास में या कप में आएगी नहीं, तो इससे मैंने इसको किया है अच्छे से मिक्स। विटामिन ई ऑयल हो आपके पास तो आप लोग उसको भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद आप लोग इसको किसी जो स्प्रे बॉटल होती है आप उसमें भी डाल सकते हैं, किसी वैसे नॉर्मल बॉटल में भी डाल सकते हैं। हम लोगों ने बस ये लगाना है, चाहे आप लोग स्प्रे करके लगाओ, चाहे कॉटन से लगाओ, डजंट मैटर। तो मेरे पास तो स्प्रे बॉटल फ़िलहाल नहीं है, एक है मेरे पास लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मेरा भी सेटिंग स्प्रे पड़ा हुआ है, तो मैं उसको ज़ाया करना नहीं चाह रही। तो जब खाली हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी इसको, फ़िलहाल मैं सादी बोतल के अंदर डालने लगी। हाँ जी, तो लास्ट है हम लोगों के पास ये नीम का टोनर, जो हम लोगों ने बनाया है। आपने देख लिया होगा किस तरह से बनाया है। इसको मैं कॉटन पैड पर लगा रही हूँ। कॉटन पैड पर लगाने के बाद हम लोगों ने इसको अपने करना है फेस पर अप्लाई, अच्छे से अप्लाई करके ओवरनाइट छोड़ देना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर हिट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून एंड स्टे सेफ़।